हाँ आप उनको 11 का टाइम दे दें। हाँ हाँ इल बी देयर बिफोर दैट, तो सईद साहब को कहीं ना वो देख लें। ओके शहरी भाई, मैं जा रही हूँ, एमल को कहिएगा कि उमर का ध्यान रखे। एमल तो अभी सो रही है, आप कहती हैं तो मैं उठा देता हूँ। नहीं, उठाने की जरूरत नहीं है, फौजिया है उसके पास, फिर भी बीच बीच में चेक करती रहे। ओके, अगर ड्राइवर नहीं है तो मैं ड्रॉप कर दूँ। नहीं, परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी। खुदा हाफिज। एमल, एमल, एमल उठ जाओ यार, प्लीज उठ जाओ यार, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, प्लीज। हाँ तो जाएं, मैं क्या करूं? वो भी एनी नीचे बोल कर गई है कि वो कॉलेज जा रही है, तुम प्लीज जाके उमर का ख्याल रख लो थोड़ी देर। फौजिया है, वो संभाल लेगी। मैंने कौन सा उसे जाकर झूले देने, अभी मुझे सोने दें। हद होती है यार, तुम्हारी यही बातें मुझे बुरी लगती है, मुझे समझ में ही नहीं आती। इस तरह की हरकतें करती हो और फिर कहती हो कि सब तुम्हें ही ताने देते। तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या कहा? मतलब ताना भी देती है और मासूम भी बन गए। देखो उमर को संभालना तो तुम्हारे इख्तियार में है ना, मेरा ख्याल रखना तुम्हारे इख्तियार में, लेकिन नहीं, तुम्हें बस अपनी नींद प्यारी है। और तुम्हें आजकल मेरी हर बात बुरी लगने लगी है यार। हाँ तो क्या करूं मैं, कैसे ख्याल रखूं आपका? इतनी हाउस हेल्प है, फिर भी आप चाहते हैं कि सब कुछ मैं ही करूं। तो तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता, तुम बीवी हो मेरी। हाँ तो आप क्या चाहते हैं, जब आप ऑफिस जाएं तो मैं एक टांग पे खड़ी रहूं? ये मुझसे नहीं होगा। ठीक है, कुछ मत करो, बट एटलीस्ट उमर का ख्याल तो रख लो यार। प्लीज शहरयार, आप ऑफिस जाएं, अभी मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, बाद में देख लूंगी मैं।